हर कोई फादर्स डे मना रहा है, हर पिता के लिए बेटे बेटियां कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, लेकिन अपने पिता के लिए हर साल बीते कई सालों से आंसू बहाने वाले बिग बी 77 की उम्र में भी अपने पिता की कमी अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। एक बफर से अमिताभ बच्चन ने अपने पिता को याद करते हुए अपने पापा स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन को याद किया है। आंखों में आंसू हैं तो पिता को याद करते हुए श्री हरिवंश राय बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन ने लिखा, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्ते की कोई और किताब, पढ़ी है पूज्य बाबूजी के चेहरे की झुर्रियाँ हमने, पढ़ी है पूज्य बाबूजी के चेहरे की झुर्रियाँ हमने। अमिताभ बच्चन ने अपने पिता को कुछ इस तरह से याद किया है। उन्होंने अपने पिता की एक और फोटो शेयर की है और उस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, तस्वीरें उनकी धुंधली पड़ जाती हैं, यादें सूरतें वैसी ही रह जाती हैं। पिता के स्वर्गवास पे जब शोकग्रस्त बैठे थे हम, मित्र ने हाथ रख के कहा, क्यों ऐसे होते हो तुम, भाग्यशाली हो बिताए हैं 61 वर्ष तुमने उनके साथ, मैंने तो जाना ही नहीं 18 वर्षों के बाद पिता का हाथ। ये कहकर जिस तरह से अमिताभ ने अपने दोस्त की भी याद शेयर की है, इससे ये कहना गलत नहीं होगा, वाकई में अमिताभ बच्चन अपने पिता से ही नहीं हर एक पिता से बहुत गहरा लगाव रखते आए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।